नमस्कार दोस्तों इम्प्लॉक खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली करने और निजीकरण के विरोध में यहां पर सांसद महोदय को ज्ञापन दिया गया है अटेवा की तरफ से कल दिनांक 21 दो 2021 को अटेवा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित कार्यक्रम 20 फरवरी से 10 मार्च तक चला जा रहे सभी जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध में ज्ञापन व समर्थन प्राप्त करने के क्रम में अटेवा अंबेडकर नगर के पदाधिकारियों द्वारा लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर के माननीय सांसद श्री रितेश पांडे जी को ज्ञापन देकर एन व निजीकरण के विरोध में समर्थन पत्र प्राप्त किया गया है माननीय सांसद महोदय ने शिक्षकों कर्मचारियों व अधिकारियों को वाजिब मांग पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया है तथा अटेवा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की है उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को संसद में पुरजोर ढंग से उठाएंगे और आने वाले चुनाव में आपके इस मुद्दे को पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल करने का प्रयास करेंगे साथ ही माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस आशय पर पत्र लिखेंगे माननीय सांसद महोदय द्वारा ही सकारात्मक ढंग से इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन अटेवा पदाधिकारियों को अटेवास की खामियों के विषय में माननीय संसद महोदय को अवगत कराया गया जिला संयोजक शीतला प्रसाद मिश्रा जी द्वारा सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को रोकने के लिए माननीय संसद महोदय से प्रयास किए जाने का अनुरोध किया गया ज्ञापन दिए जाने के अवसर पर सरतेन्दु शेखर मिश्र रामबली श्री अनुज वर्मा डॉक्टर अरविंद वीरेंद्र शर्मा राज रायन संजय तिवारी प्रमोद वर्मा दिनेश विश्वकर्मा धर्मेंद्र यादव शशि कुमार मिश्र एवं अरुण वर्मा और आदि अटेवा के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे थे दे। आप देख, देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉ खबर